subscribe watch for tech and press the bell icon to never miss any update from this channel. How are you all? मैं आपका दोस्त और होस्ट अपरूप और आप देख रहे हैं वॉच फॉर टेक। तो इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ लेफ्ट का एक पावर बैंक जो मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया है और ये मुझे करीब 1100 रुपये का पड़ा है और ऑनलाइन में इसका प्राइस है 1200 से लेकर 1300। तो आप सबको पता होगा लिपकार एक बहुत ही अच्छी कंपनी है और इस पावर बैंक का नाम है डिजी बैंक और ये करीब 10400 mAh का है। अगर पीछे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं फीचर्स के, जो डिजिटल LED है, डिजिटल लाइट है और ये फायर रेजिस्टेंस है, इमरजेंसी सेल है और भी बहुत सारे आप देख सकते हैं। और नीचे की तरफ आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका जो कैपेसिटी है वो 10400 mAh का है और जो बैटरी टाइप है वो लिथियम आयरन है और जो इनपुट आउटपुट है वो भी आप देख सकते हैं। उसका वेट जो है 230 ग्राम है। तो मेरे पास इसका जो है वो वाइट वर्सन है, आप सब जो है देख सकते हैं। और पीछे ही आपको जो है वो वारंटी कार्ड मिल जाता है और नीचे है टोल फ्री नंबर, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो इसे फटाफट ओपन कर लेता हूँ। तो ओपन करने का सिंपल बॉक्स मिलता है आपको, पहले जो है ये है इसका USB चार्जिंग केबल जो वाइट कलर का है और ये जो बिल कवर बहुत अच्छी है। और मैं निकल लेता हूँ, जैसे मैं कहा था मेरे पास वाइट कलर का जो वेरियंट है और बहुत ही अच्छा है, आप देख ही सकते हैं। लेम्प के सामने जो है लेम्प कर का जो है आपको नाम मिल जाता है, ब्रांडिंग मिल जाती है आपको। और जो है ये भारी है, थोड़ी सी आपको भारी लग सकती है, ये थोड़ी सी भारी है। और पीछे की आ जाता है तो आपको यहाँ पर इनपुट आउटपुट के जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर मेड इन इंडिया है, ये साइड की तरफ आते हैं तो इस साइड आपको कुछ नहीं मिलता। दूसरी साइड आते हैं तो आपको यहाँ पर साइड में एक ऑन ऑफ का बटन मिलता है, क्लिक करते हैं तो ये आपका जो है LED डिस्प्ले है जिसे आप देख सकते हैं। ये आपका जो है वो पावर बटन है, कितना पावर है। और सामने वाला जो है आपको यहाँ पर 2 USB केबल्स मिलते हैं चार्जिंग के लिए, आउटपुट केबल्स और एक इनपुट केबल इस पावर बैंक को चार्ज करने के लिए और एक LED इंडिकेटर आपको मिल जाता है। और आप आउटपुट चार्जिंग की बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट और राइट आप दोनों से चार्ज कर सकते हैं। लेफ्ट का जो है उससे आप आपका मोबाइल नॉर्मल चार्ज कर सकते हैं और जो राइट वाला है उससे आपका मोबाइल फास्ट चार्जिंग में कर सकते हैं, अगर आपका मोबाइल फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है तो। तो इस मोबाइल पर चार्ज पर लगा देखते हैं, अगर आप मोबाइल पर कनेक्ट कर लेते हैं तो ये पावर बैंक ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। आप देख सकते हैं ये ऑन हो गया, मैंने जो है उसके बटन टच नहीं किया। और फिर अगर आप केबल खोल लेते हैं और अगर चार्जिंग से हटा लेते हैं आपका मोबाइल तो कुछ ही देर में ये जो है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है इस पावर बैंक में। तो आपको कुछ देर वेट करना पड़ेगा, ये देखिए ये जो है वो बंद हो चुका है। तो आप सोचेंगे आप इसमें पावर बटन जो है वो दिया क्यों गया है, पावर ऑन बटन, तो इसको आप क्लिक करते हैं तो पावर टू ऑन ये होता है, आप देख सकते हैं। पर इसको आप अगर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो जो है एक LED लाइट जल जाता है, ये देखिए जल गया। और ये लाइट है वो मीडियम है, आप ये जो है आप पास में जो चीज़ है आप उसे देख सकते हैं। और ऑफ करने के लिए फिर से जो है बटन का आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा। और इस पावर बैंक को चार्ज करना भी बहुत इजी है, आप अपने किसी भी मोबाइल चार्जर से इस पावर बैंक को चार्ज कर सकते हैं और ये बहुत जल्दी चार्ज हो जाता है। और फुल चार्ज में ये करीब आप इसे 3 बार आराम से यूज़ कर सकते हैं, तो ये बहुत यूजफुल है आपकी डेली लाइफ के लिए। और अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो आप परचेस कर सकते हैं लोकल मार्केट से भी और ऑनलाइन से भी। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको फ्यूचर में कोई भी वीडियो चाहिए उसके लिए आप नीचे कमेंट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमें तो लाते हैं प्राइवेट चैनल में जाकर देखिए।
और भी रिव्यूज देखने के लिए यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।